टुडेज लेक्चर टॉपिक इज सॉइल इरोजन मृदा क्षरण। सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन? इट इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑन लैंड सरफेस, ऑल्सो टर्म्ड एज लॉस ऑफ सॉइल। मृदा क्षरण क्या होता है? जब मिट्टी का कोई एक टुकड़ा उसके वहाँ से कट करके अलग हो जाता है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? मास पर यूनिट एरिया, मीन्स एक पर यूनिट एरिया, मतलब अगर हमने इतना एरिया ले लिया तो उसमें से कितना मास कट के गिर चुका है, यानी इतनी मिट्टी है तो उसमें सॉइल इरोजन के थ्रू अगर इतना मिट्टी उसका इरोज हो चुकी है, यानी उससे कटकर अलग हो चुकी है, उसे हम मेज़र करेंगे मास पर यूनिट एरिया में। सॉइल इरोजन इज अ वॉशिंग और ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन क्या है? वॉशिंग और ब्लोइंग, मतलब अगर वो सॉइल की जो ऊपरी लेयर है वो धुल जा रही है या उड़ जा रही है, मीन्स किसी भी तरीके से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अगर सॉइल से अलग हो जा रहे हैं उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। उसका रीजन कुछ भी हो, वाटर और विंड। इरोजन, वेदर इट इज़ बाई वाटर, विंड और टिलेज, इन्वॉल्व थ्री डिस्टिंक्ट एक्शन, सॉइल डिटैचमेंट, मूवमेंट एंड डिपोजिशन। इरोजन पानी के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, या टिलेज जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है, टिलेज उसमें किसी के भी थ्रू हो, उसमें क्या होता है? सॉइल डिटैचमेंट, सॉइल का अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स जुड़ रहा है, डिटैचमेंट मीन्स किसी चीज़ से वो अलग हो रहा है, यानी सॉइल के पार्टिकल जब सॉइल से अलग हो जाएंगे वो किसी के भी थ्रू से हों, वाटर, विंड और टिलेज के थ्रू मूवमेंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ सॉइल का पार्टिकल है और वो दूसरी जगह चला जाएगा। डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने टिलेज की, तो टिलेज में हम क्या करते हैं, सॉइल को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे डिपोजिशन हो जाता है और मूवमेंट भी हो जाता है सॉइल के पार्टिकल्स का। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। मृदा क्षरण जो है वो दो तरीके, उसके दो कारण हैं, एक नेचुरल कारण है और एक ह्यूमन की एक्टिविटीज से। नेचुरल क्या है? वाटर एंड विंड। और ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या है? ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके का होता है मृदा क्षरण? पहला है शीट इरोजन। शीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ अ थिन लेयर ऑफ अ टॉप सॉइल बाय रेन ड्रॉप स्प्लैश और वाटर रन ऑफ। ये देखिए पिक्चर में क्या शो हो रहा है, शीट इरोजन। शीट क्या होती है? किसी के ऊपर भी चीज़ पे जो चीज़ बिछा दी जाती है उसे हम शीट कहते हैं। और शीट इरोजन में क्या होगा कि मृदा के जो ऊपर की बहुत ही पतली लेयर है वो क्या होगी, वो निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? सपोज करिए बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हुई, तो जब वाटर वहाँ से फॉल ऑफ होगा तो सॉइल की ऊपर की लेयर क्या है वो भी वाटर के साथ चली जाएगी। नेक्स्ट है गली इरोजन। इन गली इरोजन द सरफेस रन ऑफ इज वेरी हाई। गलीज रिजेंबल लार्ज डिटैच ऑफ स्मॉल वैलीज आर मीटर्स टू 10 मीटर्स इन डेप्थ एंड विड्थ। गली इरोजन देखिए पिक्चर में शो हो रहा, गली इरोजन में क्या है, शीट इरोजन में क्या था कि सॉइल की ऊपर की बहुत थिन लेयर वाटर के साथ बह गई थी। गली इरोजन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल क्या होती है, उसे डिटैच होकर वाटर के साथ चली जाती है, 10 मीटर्स तक गहरी और चौड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है रेल इरोजन। इन स्ट्रीट इरोजन अकर्स विथ फुल फोर्स, द रन ऑफ वाटर मूव रैपिडली ओवर द सॉइल सरफेस, इट कट्स वेल डिफाइंड फिंगर शेप्ड ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स एज थिन चैनल्स और स्ट्रीम, इट इज़ नोन एज रेल इरोजन। शीट इरोजन में क्या होगा कि पूरी पूरी ऊपर की लेयर वाटर के साथ बह गई। रेल इरोजन में क्या होगा कि फोर्स के साथ मिट्टी पानी के साथ नहीं बहेगी, इसमें क्या होता है फिंगर शेप्ड के डायग्राम्स बन जाते हैं, यानी धीरे धीरे वाटर के साथ मिट्टी क्या होगी, बह जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रीम बैंक इरोजन। द रिवर ड्यूरिंग फ्लड स्प्लैश देयर वाटर अगेंस्ट द बैंक्स, इन दिस वे द वाटर कट्स थ्रू देम पर्टिकुलरली एट कर्व्स, वाटर स्ट्राइक विद ग्रेट स्पीड एंड द बैंक्स केव्स इन अलॉन्ग साइड। द टाइप ऑफ इरोजन इज ऑल्सो नोन एज रिपेरियन इरोजन। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम बैंक इरोजन में क्या होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा फ्लड हो जाता है तो पानी क्या, नदी का अगर साइज इतना है तो फ्लड के समय वो ऐसे इतना हो जाता है, तो जब पानी यहाँ पे इधर की तरफ किनारे की तरफ लड़ता रहता है फ्लड की वजह से, तो मिट्टी क्या होती है वहाँ पे नीचे से कटने लगती है। अदर टाइप्स क्या है सॉइल इरोजन के? विंड इरोजन। सॉइल इरोजन बाय विंड इज कॉमन इन ड्राई रीजन
टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच रीजन आर द सॉइल इज मेनली सैंडी, मीन्स अदर टाइप्स में क्या हो, विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होगा कि जहाँ कहीं भी बहुत ही ज़्यादा हवा की जो वेलोसिटी है, जो विंड वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होगी तो और ड्राई सॉइल होती है वहाँ की, तो जो सॉइल का ऊपरी लेयर है, जो ऊपर की लेयर होगी उसकी बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई भी है, उसमें वाटर कंटेंट क्या है, कम है। जब वाटर कंटेंट कम होगा तो सॉइल के पार्टिकल्स आपस में जो उनका अटैचमेंट है वो कम होगा, और विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो आपस में जल्दी डिटैच हो जाएंगे और ऊपर की लेयर क्या है, हवा के साथ वो उड़ जाती है। इस द सॉइल इज मेनली सैंडी इन जो ऐसे रीजन्स में जहाँ पर विंड इरोजन होता है, उन रीजन्स के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सॉइल इज मेनली सैंडी, सैंडी सॉइल होती है। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है कि उसमें सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सैंडी सॉइल में जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मीन्स उनके बीच की में जो पोर स्पेस होगा वो कम होगा, वो डिटैच जल्दी हो जाते हैं। द वेजिटेशन इज़ वेरी पुअर और इवन एबसेंट, लैंडस्लाइड और स्लिप इरोजन, द हाइड्रोलिक प्रेशर विच इज़ कॉज्ड बाई हैवी रेन्स इंक्रीज द वेट ऑफ द रॉक्स एट क्लिफ्स, एज अ रिजल्ट दे कम अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फाइनली स्लिप ऑफ फॉल ऑफ। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि इसमें वेजिटेशन क्या होता है, बहुत पुअर होता है। जहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ पर प्लांट्स की रूट्स क्या होती है, मिट्टी को पकड़ के आपस में रखती हैं, क्योंकि वेजिटेशन पुअर है तो मिट्टी की जड़ें भी मिट्टी को रोक के नहीं रख पाती हैं और लैंड स्लाइडिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये पिक्चर में शो हो रहा है लैंड स्लाइड्स और स्लिप इरोजन। लैंड स्लाइड और स्लिप इरोजन में क्या होगा, मिट्टी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट क्या होता है, मिट्टी से डिटैच हो जाता है एक ही बार में। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण के इफेक्ट क्या है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाएगा। Eroded soil is deposited on river beds, raising their levels and leading to the de-wasting floods. Plant productivity decline. Plant productivity कैसे decline होगी, ultimately crop production क्या हो जाएगा, reduced हो जाएगा। और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन कैसे होगा, वहाँ पर डेजर्ट में क्या होता है, हम वहाँ पर ईजिली कोई भी वेजिटेशन को क्या करेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेनली सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल होती है। वहाँ पर वाटर कंटेंट क्या होता है, कम हो जाएगा। जब वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो क्रॉप प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी शो होती है, तो वहाँ पर हम हर तरीके की क्रॉप को नहीं उगा सकते हैं और अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्शन रिटार्ड हो जाएगी। मेथड क्या है इसके कंजर्वेशन के, हम सॉइल इरोजन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं मृदा क्षरण को। वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को करके हम कैसे मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ द टॉप सॉइल बाय स्पेशल मेथड एंड स्कीम्स ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। इसमें हम क्या करें, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, मोस्टली सॉइल इरोजन में क्या होगा कि सॉइल की जो अपर लेयर है उसका ही डिटैचमेंट हो जाता है, तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे सॉइल की ऊपरी लेयर को जो इरोज हो जाती है उसे हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। उसके लिए पहला क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन। रोटेशन क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। रोटेट करना मतलब घुमाना रहता है। पहले हम ऐसी क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं जिससे जो सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। क्रॉप रोटेशन में क्या करेंगे, इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर क्रॉप्स इन अ एरिया। हेयर डिसिमिलर क्रॉप्स मतलब एक ही जैसी क्रॉप हम बार बार नहीं लगाते रहेंगे, क्रॉप को क्या करेंगे, बदल बदल के लगाते रहेंगे। हेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ सेम एरिया बाई रोटेशन, दैट इज वन आफ्टर अनदर। क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है सॉइल के स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को। कैसे इम्प्रूव करेगा क्रॉप रोटेशन, अगर हम एक ही तरीके की क्रॉप लगाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमने कोई क्रॉप लगाई उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए और बार बार हम वही क्रॉप लगाते जाएंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी क्या हो जाएगी। इसीलिए हम सेम क्रॉप को बार बार नहीं लगाएंगे, क्रॉप को क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं,
इन दिस मैथड द कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड द कवर क्रॉप्स आर सोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द सेम फील्ड. सेम फील्ड में ही हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर लेंगे. क्या इसमें हम क्या करते हैं, एक कवर क्रॉप होती है, एक कल्टीवेटेड क्रॉप होती है, मीन्स एक का पौधा बड़ा होगा और दूसरे का क्या होता है, छोटा हो जाएगा, तो वो दूसरे को कवर कर लेता है. तो एक ही फील्ड में हम दो क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे जो सॉइल का टिलेज है, बार बार हमें क्रॉप की सोइंग के लिए जो करना पड़ता है, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और सॉइल इरोजन भी क्या होगा, थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगा. इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं, ये कौन सी प्रैक्टिसेस थी जो पहले डिस्कस हुई है, वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी, अब हम करेंगे इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे, एक्सकेवेशन ऑफ डिटैच, दीज आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड चैनल्स टू डाइवर्ट द एक्सेस वाटर. इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज में हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन कैसे होता है, जब हैवी रेन हो जाएगी या हैवी विंड हो जाएगी तो क्या होता है, सॉइल का इरोजन हो जाता है, तो हम उसमें आर्टिफिशियली चैनल्स बना देंगे कि अगर हैवी रेन हो रही है या फ्लड की कंडीशन है तो वाटर का क्या करेंगे, मूवमेंट उन्हीं चैनल्स के थ्रू हो जाए और वो सॉइल को काटता हुआ ना निकले, जिससे सॉइल का इरोजन क्या है, मिटिगेट हो जाए. इसमें टू टाइप्स बनाए जाते हैं, डाइवर्जन डिटैच और इंटरसेप्शन डिटैच. डाइवर्जन डिटैच में क्या होता है, डाइवर्टिंग द रन ऑफ अवे फ्रॉम द फील्ड. इंटरसेप्शन डिटैच होता है, मेट एट रेगुलर एंड सुटेबल इंटरवल्स अक्रॉस द कल्टिवेटेड फील्ड. दिस डिटैच डू नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ थिक शीट ऑफ वाटर. डाइवर्जन डिटैच में क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो पानी है वो फील्ड से निकल जाएगा. इंटरसेप्शन डिटैच में क्या करेंगे कि बनाते हैं ऐसा डिटैचमेंट का चैनल बनाते हैं कि पानी एक जगह से निकला फिर रुक जाएगा, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद बहता हुआ चला जाएगा, जिससे एक ही जगह पर वाटर की बहुत थिक शीट यानी बहुत ही ऊंची लेयर नहीं बन पाएगी, वाटर वहां पर रुक नहीं पाएगा. टेरेस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, टेरेस कंस्ट्रक्शन आर लार्ज स्टेप कट इनटू द हिल साइड. हिल साइड में मोस्टली जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का वो कैसे होता है, टेरेस के रूप में होता है. सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उससे भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. दिस रिड्यूसेस स्लोप लेंथ एंड स्टिफनेस टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सॉइल अवे. सीढ़ी नुमा जब हम खेती करेंगे तो उसमें वाटर क्या होगा, अगर सपोज करिए कोई भी चीज़ स्लोपी है, ऐसी है, तो अगर उसमें वाटर गिरेगा तुरंत वो मिट्टी को बहाता हुआ ले जाएगा. पर अगर हम उसमें स्लोप उसमें हम टेरेस बना देंगे, मीन्स यहाँ पर एक बना देंगे फिर यहाँ पर, तो वाटर क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी होगी उसके गिरने की, उसका जो फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और सॉइल इरोजन क्या होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. सी इसमें थर्ड है चेक डैम्स. चेक डैम्स भी बना सकते हैं जिससे हम वाटर फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं और जो हैवी फ्लो वाटर का होता है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. पिक्चर में देखिए शो हो रहा है कि हम उसको चेक डैम्स कैसे बना सकते हैं. स्मॉल समटाइम्स टेम्प्रेरी चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक स्टोन्स टिम्बर स्टील टू कंट्रोल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो. डैम बना देंगे, कहीं से वाटर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसी वेलोसिटी में अगर वाटर बहता हुआ कल्टिवेटेड क्रॉप्स में या फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड जो होंगी वहाँ पर जाएगा तो वो भी मिट्टी की ऊपरी लेयर को अपने साथ बहाता हुआ चला जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. और अगर हम बीच में एक डैम क्रिएट कर देंगे, वो आर्टिफिशियल टेम्प्रेरी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, उसको हम क्रिएट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वाटर की जो वेलोसिटी है जो उसका फ्लो है उसको क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा जिससे वो मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा के अपने साथ नहीं ले जा पाएगा. विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट्स, हवा के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है, जब विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो बह जाती है. इसमें हम क्या करेंगे, विंड ब्रेक कर देंगे. जैसे वाटर की वेलोसिटी को कम करने के लिए हमने क्या किया, डैम बना दिए, विंड की वेलोसिटी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो क्रॉप है, इतने एरिया में अगर हमारी क्रॉप है तो उसके अगल बगल हम क्या करेंगे, बड़े ट्रीज़ को प्लांट कर देंगे जो हवा की वेलोसिटी को क्या है, कम कर देंगे और वो इससे सॉइल की जो ऊपरी लेयर है उसका इरोजन क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा. बैरियर्स फॉर्म बाय ट्रीज एंड प्लांट्स विद मैनी लीव्स टू कंट्रोल द विंड वेलोसिटी. छोटी कल्टिवेटेड क्रॉप्स के चारों तरफ हम बड़े ट्रीज को प्लांट करेंगे जिससे हवा उनसे टकराएगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. थैंक यू.